हेलो गाइस, मेरा नाम है मानो और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक WWE की मसालेदार और चटपटी न्यूज़ लेकर। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ट्राइबल चीफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोमन रेंज के बारे में। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोमन रेंज जब से रसलमेनिया 14 में हारे हैं, वो WWE से एक लंबे टाइम के लिए ब्रेक पे चल रहे हैं और गायब से हो गए हैं। हमें इससे रिगार्डिंग हमें कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ भी देखने को नहीं मिली, ना तो रोमन रेंज की तरफ से ना WWE की तरफ से। लेकिन गाइस, 25 मई को रोमन रेंज का बर्थडे था, जिस पर WWE ने भी ट्वीट किया और पूरे फैंस ने भी ट्वीट किया, जिसकी वजह से एक भौकाल सा मच गया था और एक माहौल सा बन गया था कि रोमन रेंज कुछ तो बोलेंगे भाई वो अपने रिटर्न के लिए। लेकिन रोमन रेंज ने ऐसा कुछ ट्वीट नहीं किया। लेकिन गाइस, जब से मतलब रोमन रेंज का जो बर्थडे था, तब से मतलब फैंस इतना ज़्यादा स्पेकुलेशन कर रहे थे और इतना ज़्यादा हाइप उन्होंने बना रखा था कि भाई साहब रोमन रेंज को वो बार बार ट्वीट कर रहे थे और हमेशा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई तुम बस आ जाओ आगे, क्योंकि मतलब रोमन रेंज को इतना ज़्यादा फैंस पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा WWE में उनको अप्रिसिएशन मिलता है और मैच इतने कमाल के उन्होंने डिलीवर किए हैं और मतलब फैंस के बीच में उनका एक अलग ही क्रेज़ है भाई साहब। मैं खुद पर्सनली इस बंदे का फ़ैन हूँ, आज से नहीं बल्कि 2013-14 से मैं फ़ैन हूँ रोमन रेंज का, जब से वो सुपर स्टार वाले गिमिक में आए थे 2014 के अप्रॉक्स में आए थे, उसके बाद से ही। और उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में है वो अजीब मतलब बहुत ज़्यादा कमाल की है। तो गाइस, रोमन रेंज के बर्थडे के दिन मतलब सोशल मीडिया पर एक अलग सा हंगामा मच गया था, जहाँ पर फैंस पूरी तरीके से रोमन रेंज पर टूट पड़े थे। उन्होंने बस रोमन रेंज से वो यही जानना चाहते हैं भाई तुम वापस कब आ रहे हो, क्योंकि द रॉक के साथ उनका मैच लाइनअप है, उसके बाद और बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ उनका मैच लाइनअप है, हो सकता है CM Punk के साथ हमें उनका मैच लाइनअप देखने को मिले। बाकी WWE के पास तो बड़े बड़े प्लान हैं, जैसे कि द ब्लड लाइन वर्सेज द ब्लड लाइन के बीच में, और ब्लड लाइन की भी अभी फ्यूड चल रही है जहां पे सोलो सिकोया जो है वो टेक ओवर कर चुके हैं और वो न्यू ट्रेबल चीफ अपने आप को बना चुके हैं। तो गाइस, WWE में जो फैंस हैं वो और जो मतलब ओवरऑल रोमन रेंज के जो फैंस हैं वो यही जानना चाहते हैं कि रोमन रेंज कब वापस आने वाले हैं और कब वापस आकर वो मतलब स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन भाई साहब, जब भी आएंगे मतलब WWE की मतलब जो रेटिंग्स है वो फाड़ के रख देंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब रोमन रेंज लुकीमिया के लिए कुछ टाइम के यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर को हरा के समर स्लैम में बने थे, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट रॉक एपिसोड में लुकीमिया जो उनको कैंसर था उसकी वजह से उन्होंने चैंपियनशिप ड्रॉप कर दिया था और वो गायब से हो गए थे। वो हमें लगभग 1.5 साल तो दिखे ही नहीं थे WWE में। लेकिन उसके बाद जब वो पे बैक में आए थे, अप्रॉक्स पे बैक के थोड़ा सा पहले बैटल ग्राउंड में भी, तो वहाँ पर आए थे जहाँ पर उन्होंने द फील्ड को अच्छा खासा पेला था, जहां पर फील्ड और ब्रॉन स्टोन के बीच में मैच था और जो फील्ड थे वो हरा देते हैं ब्रॉन स्टोन को और न्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप मतलब बन जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंज वहां पर आते हैं और द फील्ड को अच्छा खासा तगड़ा बीटिंग लगाते हैं और स्पेयर जो भाई साहब खतरनाक वाला देते हैं और फैंस एकदम से खुश हो जाते हैं रोमन रेंज का रिटर्न देख के। तो गाइज, रोमन रेंज के बर्थडे पे फैंस केवल उनसे यही पूछना चाहते थे कि भाई साहब आ कब रहे हैं WWE में, क्योंकि आपका बेसब्री से इंतजार फैंस कर रहे हैं। और इस पर रिगार्डिंग रोमन रेंज के कोई मतलब ट्वीट नहीं था, बस थैंक यू फॉर एवरीथिंग के लिए आया उनका ट्वीट, इसके अलावा उनका ट्वीट कुछ नहीं था। बाकी न्यूज़ यही थी और फैंस के बीच में हाइप तो भाई साहब ये बनी ही रहेगी कि रोमन रेंज कब वापस आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे भाई साहब एक तगड़ा हाइप रहेगी और स्टोरी लाइन भी हमें तगड़ी देखने को मिलेगी उनकी। बाकी न्यूज़ यही थी। आपके इसके इस न्यूज़ के रिगार्डिंग आपके क्या थॉट है नीचे कॉमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।